अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसे लेकर रामनगरी में पूरे देश प्रदेश में उत्साह का माहौल है और पूरे देश प्रदेश की नजरें राम मंदिर पर टिकी हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी भी हो चुकी है। इसी क्रम में जयपुर रोड स्थित अयोध्या धाम आश्रम में भी 15 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अयोध्या धाम आश्रम के महंत श्री गंगादास महाराज ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि अयोध्या धाम आश्रम में 15 जनवरी को गौ पूजन व खिचड़ी उत्सव से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे, जो 22 जनवरी को रामचरित्र मानस पाठ समापन एवं सामूहिक हवन और अयोध्या कार्यक्रम का लाइव LED प्रसारण से सभी भक्तों को करवाया जाएगा। उसके बाद भंडारा होगा और शाम को भव्य महाआरती एवं दीपोत्सव सहित आकर्षक रंगीन आतिशबाजी का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। भगवान श्री रामलला जी के श्री अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा नूतन विग्रह मंदिर में जो 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में यहाँ श्री अयोध्या धाम आश्रम जयपुर रोड स्थित अलवर में श्री आनंदोत्सव के रूप में हम सब लोग मनाने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में 15 जनवरी से लेकर के और 22 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सुसज्जित होंगे और भक्तजनों को आनंद वितरित किए जाएंगे। इसी श्रृंखला में 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले गौ पूजन खिचड़ी उत्सव मनाए जाएंगे। 16 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन सुंदरकांड पाठ और हरिनाम संकीर्तन किए जाएंगे। 17 जनवरी पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान के रूप में और इसी संदर्भ में संगोष्ठी किए जाएंगे। 18 जनवरी 2024 गुरुवार को श्री राम सखा सम्मान, कन्या पूजन, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा मनाएंगे। 19 जनवरी सामूहिक रूप से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा और संध्या में भजन संध्या का कार्यक्रम होंगे। 20 जनवरी 2024 शनिवार के दिन श्री राम रस व्याख्यान माला संगोष्ठी आयोजित किए जाएंगे। 21 जनवरी श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ संगीतमय होगा और संध्या में विभिन्न भजनों के द्वारा श्री ठाकुर जी को आनंदित किए जाएंगे और महाआरती का आयोजन होगा। 22 जनवरी को श्री रामचरित मानस के समापन के बाद सामूहिक रूप से हवन किए जाएंगे और श्री ठाकुर जी को अभिषेक किए जाएंगे, बधाई गान किए जाएंगे और इसके बाद अयोध्या के कार्यक्रम अयोध्या से सीधे लाइव प्रसारण LED के द्वारा हम सब लोग एक साथ मिल बैठ करके दर्शन करेंगे। इसके पश्चात भव्य भंडारा का आयोजन किए जा रहे हैं और संध्या में महाआरती और हजारों दीपों के साथ में दीप प्रकाश पर्व सुसज्जित किए जाएंगे और आकर्षक रूप से आतिशबाजी का कार्यक्रम होंगे और विभिन्न महापुरुषों के द्वारा आशीर्वचन प्रदान किए जाएंगे। इन्हीं कार्यक्रमों के द्वारा हम सब लोग इस आनंदोत्सव को भव्य और दिव्य रूप से मनाएंगे।